नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंच। बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत केशवाई में हुआ जनसुनवाई लोक कल्याण शिविर का आयोजन, जिसमें विधायक श्रीमती मनीषा सिंह, कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद एवं अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा सहित जिले के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। लोक कल्याण शिविर का आयोजन लोगों के बीच केशवाही में रही। इस कार्यक्रम में जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा अपनी विभाग से जानकारी दी गई, जिससे किसान भाई एवं ग्रामीण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जैविक खेती को लेकर लोगों को प्रोत्साहित किया। सभी ग्रामीणों की समस्या का निवारण करते हुए हितग्राही मूलक योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी गई। वहीं विधायक जी का कहना है कि छोटे तबके के लोगों के सारी छोटी छोटी काम रुका हुआ है, जिससे शिविर के माध्यम से पूर्ण हो सके। विधायिका श्रीमती मनीषा सिंह ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि ये शिविर आम जनता एवं नागरिकों के समस्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोजन रखा गया है। वंदना वैद जी से हमारी बात हुई कि हर मंगलवार को सरकार की तरफ से तो तय है कि हर मंगलवार को जन यह हमारे कलेक्ट्रेट और हर एक ऑफिस में होता है, लेकिन भी नहीं पहुंच पाता। बाकी ग्रामीण क्षेत्र से भी सौर दूर पड़ता, इसलिए हमारे जो छोटे लोग हैं वह नहीं पहुंच पाते हैं हर कार्यालय में। इसलिए मैंने कलेक्टर साहब से बोला कि हम यह शिविर जो है हर ग्रामीण क्षेत्र में लगाएं, जिससे कि हमारे जो छोटे तबके के लोग हैं, पंचायत स्तर के जो छोटे हमारे लोग हैं, वह वहाँ पर उस शिविर में मिल सकते हैं और वहीं पर यह पूरा अमला रहेगा। हमारे जिले के ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर के सारे अमला रहेंगे और उस शिविर में छोटी छोटी समस्या वहीं पर रखी जाएगी और वहीं पर हमारे तय हो जाएगी कि यह काम क्यों रुका हुआ है। इस तरह से हमने यह सोचकर यह शिविर रखा और मैं चाहती हूँ कि यह शिविर हमेशा ऐसे ही होता रहे, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग मिल सके। कहीं शिकायत ना रहे कि हम कलेक्टर साहब से नहीं मिल पाते, हम SDM साहब से नहीं मिल पाते, विधायक से नहीं मिल पाते, तहसीलदार नहीं मिलते, क्योंकि राजस्व के भी ऐसे कई मामले होते हैं। जैसे कि हमारा किसान सम्मान निधि है, आज प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना किसान सम्मान निधि, यह पटवारी जब तक ऑनलाइन आवेदन यहाँ से नहीं करेंगे तब तक उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा, और जब तक उन्हें सही जानकारी नहीं मिलेगी हमारे किसानों को, तब तक वह उन्हें भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से जब तक एक जगह किसान और जनप्रतिनिधि और सारे अमला